आपको मालूम है कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक डिफॉल्टर कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा बैंक डिफॉल्टर नीरव मोदी। देखिए यही गड़बड़ हो जाती है, ये जो मतलब मीडिया पे हम लोग ये चीजें देखते हैं, नीरव मोदी हाँ। और हमारा बेचारे, बेचारा तो नहीं बोलना चाहिए, विजय माल्या, हाँ। ये लोग, यू नो, ये लोग छोटे लोग हैं, स्मॉल अच्छा। फ्राई बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हाँ, मतलब स्मॉल क्रुक्स बेसिकली, ये भी छोटे लोग हैं, मैं तो समझता छोटे था लोग हैं। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में जो बैड लोन्स और एनपीएस की प्रॉब्लम है, इसकी बात मैंने कई पुराने वीडियोस में करी है। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों के नाम आप जानते ही होंगे, ये पब्लिक लाइमलाइट में आए हैं, लेकिन रियलिटी में जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये कई कुछ इंडिविजुअल लोगों से कहीं ज्यादा बड़ी है। इनफैक्ट ये इतनी बड़ी है कि आज से कुछ महीने पहले इस प्रॉब्लम की वजह से इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक यस बैंक बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजरा था, आपको याद ही होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि आज इस बैंक की हालत पहले के कंपैरिजन में थोड़ी बेहतर हो गई है। कैसे पॉसिबल हो पाया? मैंने आपको पुराने यस बैंक वाले वीडियो में बताया था कि सरकार किसी भी हालत में इस बैंक को डूबने नहीं देगी, क्योंकि ये इतना बड़ा बैंक है और अगर ये डूब गया तो जनता का भरोसा उठ जाएगा इस बैंकिंग सिस्टम से। इसीलिए सरकार ने एक रेस्क्यू प्लान बनाया था इस बैंक को रेस्क्यू करने के लिए। कैसा काम करा वो रेस्क्यू प्लान और इन जनरल बैंक्स कैसे डील कर सकते हैं इस एनपीएस की प्रॉब्लम से, और आपको क्यों फर्क पड़ना चाहिए इस चीज से, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करूंगा बल्कि सॉल्यूशन पर फोकस करूंगा। और इसी इशू को और डिटेल में समझने के लिए आज के वीडियो में मेरे साथ होंगे फेमस राइटर और इकोनॉमिक एक्सपर्ट विवेक कौल जी, जिन्होंने एनपीए के बारे में एक किताब भी लिखी है इस प्रॉब्लम को और गहराई से समझाते हुए। देखिए क्या होता है कि सरकार किसी भी बैंक को डूबने नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी अपनी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, इंक्लूडिंग सोशल अनरेस्ट, मतलब क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा पैसा कहीं पे किसी भी बैंक में हो और अगर वो बैंक डूब जाए तो फिर लोग किस हिसाब से रिएक्ट करेंगे वो आप कह नहीं सकते। इसलिए जब भी कोई एक बड़ा बैंक डूबने की कगार पे आ जाता है तो उसको रेस्क्यू किया जाता है। इनफैक्ट आरबीआई के जो नियम कानून है उसमें बड़ा स्पेसिफिकली कहा गया है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसका सेक्शन 45, ये बहुत सीधे तरीकों से कहता है, और अगर कि या तो आरबीआई इस बैंक को बचाए या इस बैंक को किसी और बड़े बैंक के साथ या किसी और बैंक के साथ मर्ज कर दे उसका। अच्छा, तो जैसे आपको नहीं याद होगा, आप शायद तब बहुत छोटे रहे होंगे, 1993-94 में एक बैंक हुआ करता था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा। वो बंद होने की कगार पे आ गया था, तो उसका मर्जर पंजाब नेशनल बैंक से कर दिया गया था। फिर 2002-2003 में ऐसा हुआ कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक करके एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था जिसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, उस बैंक को सरकार ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मर्ज कर दिया। तो वो दोनों प्राइवेट बैंक्स थे, जो दो एग्जांपल्स आप नहीं, न्यू बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक था, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक प्राइवेट बैंक। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल प्राइवेट बैंक्स फेल होते हैं। सरकारी बैंक के बारे में भी मैं बात करूंगा, सरकारी बैंक भी फेल होते रहते हैं, ऐसा बस ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आरबीआई ने कहा कि हम इस बैंक को बचाएंगे पर हम इसको मर्ज नहीं करेंगे किसी के साथ। एक बैंक को बचाने के लिए सबसे पहली इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी कि इस बैंक को पैसे की जरूरत थी। ये पैसे आते कहां से? सरकार ने एक यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लॉन्च करी थी जिसमें कि 49% स्टेक एसबीआई ने खरीद लिया, और सरकार के कहने पर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने 1,000 करोड़ रुपीज ईच इन्वेस्ट किए इस बैंक के अंदर। साथ ही साथ एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 500-600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। जो यस बैंक के जो लॉसेस थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे, और लॉसेस क्यों बहुत ज्यादा हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे जो जिन कंपनियों को यस बैंक ने लोन दिया था उन कंपनियों ने लोन नहीं लौटाया। कंपनीज थी दोस्तों कैफे कॉफी डे, डीएचएफएल, कॉक्स एंड किंग्स, अनिल अंबानी के रिलायंस, एसएल ग्रुप। यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूंगा, जो जैसा कि मैंने कहा कि हमको जो मतलब पब्लिक में जो एक, एक, एक जो ख्याल ये रहता है कि केवल प्राइवेट बैंक जो है वो फेल होते हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इंडियन ओवरसीज बैंक था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जिसको यूको बैंक बोलते हैं हम लोग, सो इन सब बैंकों की जो बैड लोन्स की जो दर थी वो यस बैंक से कहीं ज्यादा थी। लेकिन होता क्या है कि अगर आप सरकारी बैंक हैं और अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो सरकार चुपचाप हर साल पैसा डालती रहती है इन बैंकों। अच्छा,
पीछे पीछे से मतलब हाँ डालती रहती है, ऐसा नहीं मीडिया में खबर आती है, ऐसा नहीं कि मीडिया में खबर नहीं आती है, पर वो खबर जो है वो आपको आपको जो टीवी पे नहीं मिलेगी, टीवी के बड़े चैनलों पे नहीं मिलेगी, वो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, ऐसे अखबारों में नहीं आएगी, बट आपको ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स में आ जाएगी, मिंट में आ जाएगी, या सीएनबीसी टीवी 18। तो जो इन चीजों को ट्रैक करते हैं उनको ये बराबर पता होता है, लेकिन एक जो नॉर्मल आदमी है उसके दिमाग में ये होता है कि अरे यस बैंक फेल हो गया बट मेरा आईडीबीआई बैंक तो चल रहा है, मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक तो चल रहा है। वो ये सवाल नहीं पूछता है कि वो क्यों चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि सरकार चुपचाप जो है अपना काम कर रही है और वहां अपना पैसे डालती जा रही है। वेयर एज प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि प्राइवेट बैंक में तो सरकार पैसा डालेगी नहीं जब तक हालत ऐसी ना हो जाए, तो प्राइवेट बैंक को खुद का पैसा उठाना पड़ता है। जब आप बात करते हैं पैसा डालने की, ये तो सिर्फ एक स्टेप हुआ, बैंक को बैंक में आप इतने हजार करोड़ डाल दोगे उससे बैंक रेस्क्यू थोड़ी हो सकता है, क्योंकि इवेंचुअली वो रेस्क्यू तभी होएगा जब लोग उसमें पैसे डिपॉजिट करने, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि वो पैसे डिपॉजिट करें उसमें, तो वो ज्यादा जरूरी है पैसे डालने से, ये समझा जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए मैं लोगों से ये प्रश्न पूछता था कि भाई अगर आपने इस बैंक में पैसा लगाया है या इंडियन ओवरसीज बैंक में या कोई भी ऐसा बैंक जिसकी बैड लोन्स की रेट बहुत ज्यादा है, तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, जबकि आपके पास और भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनकी बैड लोन्स की दर काफी कम है, आप स्टेट बैंक में भी पैसा रख सकते हैं ना भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी वही पैसा रख सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स तो इन बैंक्स की लगभग बराबर ही होती है, कोई 25-50.25% ज्यादा होता है, तो उसके लिए आप मतलब ऐसे बैंक के साथ बैंकिंग करें जिसके तिहाई लोन डूब चुके हैं, ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। तो ये चीज पर इसका मतलब जैसा मैंने कहा, ये कॉन्फिडेंस जो है ये एक तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि बैंक की ऐसी हालत है। बैंक को करीबन 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी ताकि ये फंक्शन कर पाए, मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाए, तो कुछ पैसे तो बाकी बैंकों से आ गए। इसके बाद यस बैंक ने एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग करी एफपीओ 15,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए। कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट से पहली बार पैसा उठाती है, जब अपने शेयर वो स्टॉक मार्केट में बेचती है पहली बार, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, आईपीओ। आईपीओ आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां आईपीओ निकाल रही हैं, लेकिन जब कोई भी कंपनी दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार या जितनी भी बार फिर से बाजार से पैसा उठाती है, फिर से अपने शेयर बेचती है, उसको हम लोग एफपीओ बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफ। 1979 में एक फिल्म आई थी गोलमाल, तो गोलमाल में एक गाने की लाइन थी कि पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, है ना। तो मतलब केवल पैसा कमाना इज यू नो, आई मीन आप आज उठे और बोले कि मुझे पैसा कमाना है तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए पहले भी पैसा चाहिए। तो इसलिए तो यस बैंक को आगे लोन देने के लिए, उस लोन दे के पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए उसने आईपीओ निकाला और पैसा उठाया। और 15,000 जनता से बोला कि या इन्वेस्टर से बोला कि इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर, ये एफपीओ सक्सेसफुल रही, बैंक ने 14,200 करोड़ रुपए रेस कर लिए, 15,000 करोड़ का टारगेट नहीं मीट हो पाया, लेकिन जो शॉर्टफॉल थी उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फंड कर दिया। अब ये जो कंपनीज लोन लेकर भाग गई है, लोन वापस नहीं दे पा रही है, इनसे वापस कैसे लिया जाए पैसा, इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि जो एसेट्स हैं उन कंपनीज के, उनको ऑक्शन पे डाल दो, कोई भी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी ओन करती हैं कंपनीज, मशीनरी ओन करती हैं, इनका ऑक्शन करवा दो, कुछ पैसे वहां से मिल जाएंगे। तो यस बैंक ने अवंता ग्रुप के और ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सिंह ब्रदर्स के ऑक्शन की एसेट्स और करीब 1,000 करोड़ इन्हें वहां से मिल गए। कभी कभी क्या होता है कि ये कोलैटरल वोलैटरल जो होता है वो थोड़ा, वो या तो प्रमोटर ने अलग अलग बैंकों को दिया हुआ होता है, मतलब एक ही कोलैटरल पे 2-3 लोन लिए हुए होते हैं। अच्छा, ये भी होता था पहले, अब नहीं होता है, जो कि सही नहीं है, ऑब्वियसली इलीगल है। हाँ, ऑब्वियसली इलीगल। हाँ, और दूसरा ये होता है कि कभी कभी जो चीज होती है, मतलब जैसे कभी अगर मान लीजिए जमीन है या शेयर्स हैं, तो वो मतलब उनको बेच के उतना पैसा आता नहीं है, तो आपको कुछ और करना पड़ता है। तो अब इन लोगों ने ये यूनिट बनाई है कि रिकवरी कैसे की जाए। तो एक तरीका जो रिकवरी का होता है और जो जिससे काफी बैंक्स ने काफी पैसा रिकवर भी किया है, जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है उस कंपनी को आप किसी और कंपनी को बेचते हो, ठीक है, और जो पैसा आता है उससे आप जितना मतलब रिकवरी कर सकते हो उतना आप रिकवरी कर लेते हो। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, एक सवाल आप अभी तक मुझसे पूछ रहे थे, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको मालूम है कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक डिफॉल्टर कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा बैंक डिफॉल्टर नीरव मोदी?
देखिए यही गड़बड़ हो जाती है, ये जो मतलब मीडिया पे हम लोग ये चीजें देखते हैं, नीरव मोदी हाँ. और हमारा बेचारे, बेचारा तो नहीं बोलना चाहिए, विजय माल्या, हाँ. ये लोग यू नो ये लोग छोटे लोग हैं, स्मॉल अच्छा. फ्राई बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हाँ मतलब स्मॉल क्रुक्स बेसिकली, ये भी छोटे लोग हैं, मैं तो समझता था छोटे लोग हैं. मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा. तो इंडिया का जो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है इज अ जेंटलमैन कॉल्ड बृजभूषण सिंघल. बृजभूषण सिंघल वॉज द चेयरमैन ऑफ एक कंपनी थी भूषण स्टील. भूषण स्टील ने 56,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का डिफॉल्ट किया था. अब नीरव मोदी का जो स्कैम है वो था 12,645 करोड़ 0.97, हाँ ये एग्जैक्ट नंबर लोकसभा में दिया गया था. हमारे जो माल्या साहब हैं उनका करीब 9-10 हजार करोड़ का स्कैम था. अच्छा. स्कैम नहीं था, डिफॉल्ट था. तो अब आप ये देखिए ये 56,000 करोड़ वाले हैं. लेकिन बृजभूषण सिंघल का क्या है कि वो मीडिया में कहीं नहीं दिखेंगे आपको. अगर आप उनकी तस्वीर भी गूगल करेंगे ना तो एक दो ही मिलेंगी. अब ये दो, इन दोनों की क्या प्रॉब्लम थी कि इनको लाइमलाइट में रहने में मजा आता था. अच्छा. अब जब बिकॉज लाइमलाइट में जिनको रहने में मजा आता था, पब्लिक को भी लगा कि भाई यही जो है सबसे बड़े चोर है, पर ऐसा था नहीं. दूसरे जो सबसे बड़े डिफॉल्टर थे रुया ब्रदर्स, एसआर स्टील, 49,000 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट था इनका. तो अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो कंपनियां हैं वो इनसे ले ली गई और इन कंपनियों को नई कंपनियों, दूसरी कंपनियों को बेचा गया. तो जैसे हमारा जो भूषण स्टील था दैट वाज सोल्ड टू, उसको बेचा गया टाटा स्टील को. टाटा स्टील की एक सब्सिडरी थी, उसको बेचा गया. दूसरा तरीका जो है उसमें क्या होता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है. तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब मान लीजिए आप बैंक हैं, अब आप नहीं चाहते हैं कि यार अब इतनी मगजमारी कौन करेगा, मतलब अब मैं जाऊं और फिर मैं कोर्ट जाऊं और फिर मैं, तो आप ये करते हैं कि आप एक डिस्काउंट पे, तो मान लीजिए अगर आपका 30,000 करोड़ का एनपीए है, आपने उसको 12,000 करोड़ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया, तो बेसिकली 40% पे बेच दिया, यानी कि 60% का डिस्काउंट. अब आपने बेच दिया, आपको वो 12,000 करोड़ मिल गए, आप उससे खुश हैं. अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का काम है कि वो उन डिफॉल्टर्स से पैसा कैसे निकलवाएं. अच्छा. ये है, ये भी हो रहा है इंडिया में, पर उतना नहीं हो रहा है जितना होना अच्छा. चाहिए. ये भी एक तरीका है. तो ये कंपनी सरकारी है या प्राइवेट है? एसेट एआरसीज तो प्राइवेट ही होती हैं ज्यादा. अच्छा. इनफैक्ट प्राइवेट ही होती हैं. दूसरा है इन सारी कंपनीज की प्रॉपर्टीज को पोजेशन में लो, जैसे कि यस बैंक ने रिलायंस सेंटर के साथ किया जो कि हेडक्वार्टर्स था अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का, और करीब 1,500 करोड़ रुपए इन्होंने रिकवर किए सुभाष चंद्र प्रमोटेड एसएल ग्रुप की कंपनीज की जो प्रॉपर्टीज थी उनको सेल करके. लेकिन हम जो न्यूज में सुनते हैं वो नॉर्मली ऑक्शनिंग ही सुनते हैं कि विजय माल्या के घर को बेच दिया जैसे. वो छोटे छोटा होता है यार, मतलब जैसे आप विजय माल्या के घर बेच के आपने कितना पैसा कमा लिया? अगर 9,000 करोड़ का डिफॉल्ट है तो घर आप कितने का बेचेंगे यार? 40 करोड़, 50 करोड़. अब ये देखकर कि ये बैंक सक्सेसफुली कैपिटल रेस कर पाया है, यानी पैसे ला पाया है इन्वेस्टर्स से, जैसे कि बाकी बैंक हो गए या फिर जो एफपीओ इन्होंने किया था, और ये देखकर कि ये जो एनपीएस की प्रॉब्लम है इससे थोड़ा डील करने की कोशिश करी जा रही है, वहां से पैसे लाने की कोशिश करी जा रही है, जो रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने इस बैंक की रेटिंग इंप्रूव कर दी. जैसे कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने इनकी रेटिंग अपग्रेड कर दी CAA1 से B3 तक. इंड आरए ने इनकी रेटिंग अपग्रेड कर दी BB- से BBB तक. अब एक आम आदमी होने के नाते आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि एक बैंक अच्छा करने लग रहा है या बुरा करने लग रहा है, कैसी हालत चल रही है, बैड लोन्स की क्या सिचुएशन है? विवेक का कहना है कि अलग अलग इंडिकेटर्स देखकर आप पता लगा सकते हो, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ग्रॉस एनपीए परसेंटेज. तो सबसे पहली बात यह है कि हमेशा जो है ना पैसा डिवाइड करके रखिए. जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि पैसा होगा और मेहनत का पैसा होगा 25 लाख रुपए होंगे और वो एक ही बैंक में होंगे. ये बहुत ही ये बड़ी बेवकूफी वाली बात है. पैसे को हमेशा 3 या 4 बैंक अकाउंट्स में डिवाइड करिए और अच्छे बैंक्स में. अब अच्छे बैंक से मेरा क्या मतलब है? अच्छे बैंक से मेरा ये मतलब है कि हमेशा किसी भी बैंक की आप बैड लोन की दर चेक करिए. बहुत आसान है. आप गूगल पे जाइए, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज डालिए, वो आपको मिल जाएगा. या अगर आप थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं तो हर तिमाही पे, हर 3 महीने में, हर क्वार्टर बैंक के रिजल्ट्स आते हैं और बैंक एक पीडीएफ, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिलीज करता है. हर बैंक ऐसा करता है.
वो उसके साइट पे आराम से मिलती है, उसको डाउनलोड कीजिए और उस पे देखिए उसके एनपीए का रेट क्या है। यस बैंक की जो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज है इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा है, ये 16.3% है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर 17.3% थी, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें रिडक्शन हुआ है। कम होने का मतलब है कि बैंक की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं इसमें करीब 15.7% का इंप्रूवमेंट आया है और जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो यस बैंक की 75.1% से इंप्रूव होकर 75.7% हो गई सेप्टेम्बर के क्वार्टर में एज कम्पेयर टू जून के क्वार्टर में। मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार क्या रोल प्ले करती है इस एनपीए को कम करने में बैंक्स के? उन्होंने नए लॉज बनाए थे अभी रिसेंटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी। हाँ, तो एक तो मैंने आपसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड का हमने डिस्कशन किया कि सरकार ने वो नियम लाया और उससे काफी फायदा हुआ बैंक्स का। हालांकि अब कोविड की वजह से वो सब ढीला पड़ गया। इस रिकॉर्डिंग से पहले मैं अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे गया और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ टुडे इज 1.95 लाख करोड़। ठीक है, मतलब अगर कोई इस बैंक को खरीदना चाहता है आज की तारीख में और अगर सरकार बेचना चाहती है तो उसको करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, इसका ये मतलब है। कोटक महिंद्रा बैंक जो कि SBI के सामने एक किद्दी सा बैंक है, एकदम छोटा सा बैंक, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.42 लाख करोड़। उससे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। ऐसे कैसे हो सकता है? वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार जो जब 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 इन बैंक्स को चलाती है तो वो इसको ठीक से नहीं चलाती है। अच्छा, ठीक है। Whereas these banks are properly run. I mean, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक जो है खुदा का रूप है या इस किस्म की कोई मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप प्राइवेट बैंक से थोड़ी तारीफ कर दें तो लोग आके बोलते हैं पर मेरा तो क्रेडिट कार्ड बिल वहां फंसा हुआ है, पर मेरा तो चेक वहां फंसा हुआ है। भाई होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी सर्विस 100% है या इस किस्म की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक्स जो है इंडिया में दे आर मच बेटर रन देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो सिटीजंस पर एक्चुअली में क्या इफेक्ट आता है? मुझे तो बस यही दिखता है कि कभी बीच में सरकार बोल देगी, RBI बोल देगा कि इतने लोग विड्रॉ नहीं कर सकते पैसे, उससे ज्यादा मुझे असर दिखता नहीं है आम जनता पर इन चीजों का। नहीं नहीं नहीं, काफी अंतर होता है, जनता को समझ में नहीं आता। मैं आपको मैं समझाता हूँ। लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है कि जब लोन रेट जब बढ़ाने होते हैं तो फटाक से बढ़ा देते हैं और जब लोन रेट गिराने होते हैं तो गिराते ही नहीं है, मतलब बहुत टाइम लगाते हैं। FD रेट्स में भी यही होता है कि जब बड़ा गिराने होते हैं तो एकदम धड़ाक से गिरा देते हैं और जब बढ़ाने होते हैं तो बड़ा टाइम लगता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि बैंक्स जो हैं वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि लोन की रेट तो बढ़ा दी जाए और FD की रेट घटा दी जाए, सो दैट जो पैसा वो लोग कमा रहे हैं, जो मार्जिन है वो बढ़ जाए। पैसे कमाए वो इसलिए होता है क्योंकि जो ये जितना ये बैड लोन्स एक्यूमुलेट हो रहा है तो अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप थोड़ा सा वो जो है उस बैड लोन को उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर पाओगे। ये भी एक 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 बैड लोन का नतीजा होता है। तो ये मतलब ये प्रॉब्लम अगर अभी नहीं होती तो हम सबको ज्यादा FD के रेट्स मिल रहे होते और कम लोन मिल रहे होते हैं। और आपने पूरी NPA की प्रॉब्लम अपनी बुक में भी एक्सप्लेन करी है डिटेल में। जी जी हाँ, ये मेरी किताब है, इट्स कॉल्ड बैड मनी इनसाइड द NPA मेस एंड हाउ इट थ्रेटन्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये बड़ी मतलब इसको मैंने एकदम ही सरल भाषा में लिखा है, किसी को इकोनॉमिक्स फाइनेंस जानने की जरूरत नहीं है इस किताब को पढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। अगर आप इस इशू को और गहराई से जानना चाहते हैं तो विवेक कौल जी की बुक पढ़ सकते हैं, NPA के बारे में इस प्रॉब्लम को और डिटेल में समझाती है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके बुक को खरीद सकते हैं। और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि ये सब काम कैसे करता है। तो आपको कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, आपको कोई बैकग्राउंड नॉलेज होने की जरूरत नहीं इन चीजों को समझने के लिए। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि सरकार और बैंक्स इन सॉल्यूशंस पर ध्यान देंगे और इस NPA की प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।